समाज सेवी स्वर्गीय पी के लाहड़ी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर बैंक रोड स्थित एक होटल में डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन प्रवर अधीक्षक डाकघर मनीष कुमार ने फीता काट कर किया। इस दौरान प्रवर अधीक्षक डाकघर मनीष कुमार ने डाक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके संबंध में मनीष कुमार ने बताया कि डाक टिकट की प्रदर्शनी एक अच्छी पहल है। अपने धरोहर को बचाने के लिए इस तरह की प्रदर्शनी लगाना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से बहुत सी जानकारी लोगों को इकट्ठा होती है और बहुत सी नई नई बातें जानने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर आचित्य लाहड़ी, रमन कुमार, डॉक्टर के पांडे, संदीप चौरसिया, ए के सिंह, अनिल गुप्ता, अभिषेक कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डाकघर के प्रवर अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा, ये ऐसा जो है अनिल गुप्ता जी का जनरल सिलेक्शन है, इसका कवर का इसका फर्स्ट डे कवर का ईयर वाइज इन्होंने बनाया। जी ये सर जो है ये कुशीनगर से सर ये डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी के द्वारा रिलीज किया गया था। इसका ये सर कॉमर्शियली यूज़ किया गया है, जिसके आज के डेट में काफ़ी वैल्यू होती है। ऐसे तो सर जो है जनरली ये कलेक्शन है, लेकिन अगर ये मोस्टली ने कार्य किया था और उनके प्रयास से यहाँ गोरखपुर बांस गांव क्षेत्र में एक जगह है तालाटी, जहाँ कहा जाता है कि बुद्ध भगवान ने अपने केस काटे थे। इसी तरह से कुशीनगर में एक जगह है छऊ, जहाँ पर कि हजारों साल पहले की पुरानी मूर्तियाँ निकली, उनका इंटेक के माध्यम से संरक्षण हुआ। गोरखपुर में जो हुई पार्क है, आप अगर कभी गए होंगे तो वहाँ कई गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं, उपेक्षित पड़ी थी, उनका भी संरक्षण, वो शीशे के अंदर उनको बंद करके उनका भी संरक्षण किया गया। और तमाम ऐसे काम थे जो आगे की योजना में थे, जिससे हम एक्वेंटेड हैं और मैं अपने तय ये कोशिश कर रहा हूँ कि भैया के मिशन को आगे से आगे बढ़ा सकूँ और गोरखपुर के धरोहर, गोरखपुर की ऐतिहासिक विरासत को जितना भी होगा गोरखपुर के लोगों से उसको परिचित कराने के लिए हम पुस्तक लिखन में लगे हुए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमें प्रेरणा मिलती है रातें। फिर एक हमारे सहयोगी थे जो बांसगांव में म्यूजियम बनाना चाहते थे, वो भी नहीं बन पाया, तो अंत में उनकी इच्छा अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक मोहन सिंह के संयोग से जो है वहाँ पर पूर्वांचल संग्रहालय बना हुआ है। उनकी सभी कलेक्शंस को वहाँ संग्रहालय में श्री अचित लहड़ी ने दे दिया और वहाँ पर जो है पी के लहड़ी गैलरी के नाम से एक विशेष गैलरी स्थापित की गई है, जिसको आपको कभी भी मौका मिले तो उसको जाके देख सकते हैं कि उनके जो संग्रह हैं वो बुद्धकालीन, मौर्यकालीन और गुप्तकालीन संग्रह, जितना किसी भी व्यक्ति के पास उतना व्यक्तिगत संग्रह नहीं होगा गोरखपुर में विश्वविद्यालय को छोड़ करके। और वो सारा संग्रह उनकी स्मृति को आगे रखने के लिए और उनके संग्रह से विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र जो है प्रेरणा पावें, इसलिए उनको आर्ट गैलरी में उसको दे दिया गया है। और ये गोरखपुर में जब तक वो आर्ट गैलरी रहेगी तब तक उनके कलेक्शंस जो है जीवंत रहेंगे। ये हैं, उनको जो है शिक्षा देने के लिए लोग समझते हैं उनको कोई भी आदमी उनको किसी तरह का सहयोग नहीं करता है और उनके दुख से कष्ट से वो व्यथित हो, जहाँ की पूरा खर्चा आज भी लहरी परिवार वहन कर रहा है। भैया तो अपने समय में देते ही देते थे, लेकिन आज भी उन लोगों ने उस परंपरा को जीवित रखा हुआ है, उसका सारा किराए भी बंदी होती हैं, उनके बच्चे जो उनके साथ रहते हैं
उनकी पीड़ा से कि ये बच्चे अगर दो साल चार साल के बाद महिलाएं निकलेंगे तो कहीं पढ़ नहीं पाएंगे वो बच्चे, तो वहाँ पर भी श्री पी के लाहिड़ी। मैं मनीष कुमार, प्रवर अधीक्षक डाकघर गोरखपुर मंडल। डाक टिकट का प्रदर्शनी यहाँ पे लगाया गया है, ये अच्छा पहल है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी, जैसे ये चौरसिया जी इंटरनेशनल स्तर पे करते हैं और भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कई लोग इसमें पुराने और नए लोगों का सम्मिश्रण है और ये अच्छा पहल है। कितना जरूरी? देखिए, यदि आप अपने धरोहर को बचाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, अपने चीज़ों को समझ सकते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आम जनमानस और आम जानकारी में ये चीज़ें नहीं आ पाती है, जो कि डाक विभाग जब उस कि डाक टिकट जारी करती है तो उसका एक तरीका होता है और एक सिलसिलेवार ढंग से उसको प्रकाशित किया जाता है। इसमें हर मंडल हर डिवीज़न से सलाह मांगे जाते हैं, तो इस आधार पर एक धीरे धीरे थीम तैयार होती है और उस थीम को यदि कोई आदमी इकट्ठा कर लेता है और एक जगह ले आता है तो वह एक तरह से इतिहास का रूप ले लेता है।